ये मंडे का ब्लॉक है और 19 तारीख का है। व्रत की रेसिपी है, एक आलू लेना है, उसको अच्छी तरह से छील लेना है, छीलने के बाद कद्दूकस कर लेना, उसको धो लेना है, उसका सारा मार निकाल देना है, पानी निचोड़ कर फिर आलू लेना है। यहाँ एक कटोरी मैंने सिंगाड़े का आटा लिया है, उसमें सेंधा नमक डाला है, पानी डालकर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। 2 मिनट के लिए आपको उसको ढक कर रख देना है। फिर अप्पे पैन को आपको गरम करना है, फिर उसमें आपको घी डालना है, सब अप्पों में चुटकी चुटकी भर घी डाल देना है। फिर इस अप्पे में फिर ये पेस्ट, गाढ़ा वाला पेस्ट, सिंगाड़े के आटे का पेस्ट डाल देना है। और ये इस मतलब व्रत में जो घी तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहता है तो वो इस तरह के अप्पे बनाकर खा सकता है, कम घी में कम तेल में बनकर रेडी हो जाते हैं। और जो बिना रोने खाते वो इस तरह के खा सकते हैं। इस तरह के अप्पे रेडी तैयार हो गए हैं। अब आपको मखाने वाली खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालना है, उसको रोस्ट कर लेना है। जब मखाने रोस्ट हो जाए उसको निकाल लेना है, दूध बॉयल कर लेना है और थोड़ा दूध गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी ऐड कर देना है, फिर मखाने डाल देना है। और मखाने को थोड़ा चूरा कर या मिक्सी के जार में पीस कर वो डाल देना है, जिससे खीर गाढ़ी हो जाती है और मेरी खीर बनकर रेडी है। और जैसी ठंडी होगी वो गाढ़ी हो जाए। जय साईं राम। और दोस्तों आप सब कैसे हो, साईं की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। इस चैनल का नाम है प्रियंका गुप्ता, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना अपना मोबाइल उठाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी अपना अपना ध्यान रखना और बाय बाय दोस्तों।